कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सतोवरी से ताल्लुक रखने वाले और साधारण परिवार में जन्मे सुनील राणा ने आज अपने 300 से भी एक नंबर ऊपर की एल्बम लॉन्च कर अपनी प्रतिभा का लोहा एक बार फिर से मनवाया है। अब की बार चणी नाम से तैयार की गई इस एल्बम को जिला भाषा विभाग की ओर से लॉन्च किया गया। सुनील राणा गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को इस समुदाय की विलुप्त होती समृद्धि संस्कृति और सभ्यता को फिर से शोध करने और उनके एक एक उन बहुमूल्य शब्दों को उजागर करके उन्हें गावदिक भाषा की गीतमाला में पिरोकर सार्वजनिक करने का बीड़ा उठा रखा है, जो शब्द जिंदगी की अनूठी दास्तान से ओतप्रोत हैं। आज भी चनी नाम से जिस एल्बम को सुनील राणा ने भाषा विभाग के सौजन्य से लॉन्च किया है, उसका हिंदी तात्पर्य चांदनी है। इसी तरह से उन्होंने पहले गावदिक शब्द हिंडी ढांडगुल्लू नकटी रूपण सिकरी धारो समेत सैकड़ों ही ऐसे गाने गाए हैं जिनका शब्द तो महज एक है मगर इनकी गाथा अजब है। आज भी उन्होंने चन्नी नाम से इस एल्बम को लॉन्च करके एक बार फिर से अपने समुदाय की संस्कृति की गाथा को रूप देकर लोगों के सपुर्द किया है। सुनील राणा ने बताया कि वो चाहते तो अपना कैरियर बॉलीवुड में शुरू कर सकते थे, उनको बहुत ऑफर भी मिले, मगर फिर भी उन्होंने अपने समुदाय के लिए गीत लिखना उनकी संस्कृति को सहजना और संवारना उचित समझा। शायद यही वजह है कि आज मालूम ही नहीं चला कि उनकी 300 से ऊपर की एल्बमें लॉन्च हो चुकी हैं। कुछ नहीं बोलना, ठीक है, अच्छा वो सब जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक गाना लॉन्च किया है। एक कलाकार होने के नाते जो मेरा कर्म है, मुझे लगता है मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रही हों, कोरोना की इन विकट परिस्थितियों से हम गुजरे हैं और पिछले 1.5 साल से कलाकारों की जो दुर्दशा हुई है वो आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, सबके सामने है। लेकिन फिर भी हमारे प्रयास जो हैं वो लोक संस्कृति की और लोकगीतों की और हमारे जितने कलाकारों की तरफ से ये जारी हैं और उसी कड़ी में हमने ये अपना ये आज नया लोकगीत पेश किया है जिसका टाइटल है चननी, जिसका अर्थ होता है चांदनी। और एक नई नवेली दुल्हन जो है वो चांदनी रात में उस चांदनी को देखकर अपने परिवारजनों को याद कर रही है, तो उसी पे ये लोकगीत है। और इस लोकगीत को हमने कहानी में ना दर्शा के हल्के फुल्के अंदाज में, एक मस्ती भरे अंदाज में दिखाने का प्रयत्न किया है। मेरे लगभग 300 से ऊपर जो है लोकगीत हो चुके हैं, लोगों के सुपुर्द में कर चुका हूँ और हर एक गीत को लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। और ये सब आप लोगों का प्यार स्नेह और आशीर्वाद है, भगवान भोले शंकर की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो आप मेरे गानों को इतना प्यार देते हैं और उन्हें मिलियन और मिलियंस में व्यू देते हैं। तो इसलिए एक बार मैं पुनः आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। सुनील जी, चूंकि बहुत बड़ा समुदाय है जिस समुदाय से आप ताल्लुक रखते हैं और उसकी आत्मा को ढूंढ पाना, उसकी संस्कृति को सामने ला पाना, ये चीज़ आपको कहाँ से मिली, कहाँ से ये प्रेरणा मिली खासतौर पर ये? और दूसरा ये कि आपको जो नवाला है जो कि कहीं ना कहीं लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था या दूर दराज के क्षेत्रों में गाया जाता था, उसकी एक बेतरतीब तरीके से उसको आपने एक संयोजित किया, एक उसमें ढाल कर जो है वो सार्वजनिक किया, ये कहाँ से आई आपके पास ये सारी कला? शौक मुझे बचपन से था क्योंकि मेरे घर में लोक संगीत का बहुत अच्छा माहौल है। मेरे दादाजी बहुत अच्छा गाते थे, हालांकि मैंने उन्हें सुना नहीं है, लेकिन जब अक्सर मैं स्टेज पे गाता हूँ तो बहुत से लोग आके मुझे बोलते हैं कि आप में आपके दादाजी का अक्स जो है दिखता है। मेरे माताजी, मेरे नानी जी बहुत अच्छा लोकगीत गाती हैं, नानी जी का स्वर्गवास हो गया है, तो लोक संगीत का माहौल कहीं ना कहीं मुझे घर से मिला है और वो जो मेरी जड़ें हैं वो वहीं से सिंचित हुई हैं। लेकिन धीरे धीरे वो प्रयास जो है वो बढ़ते गए और कॉलेज में आके मैंने इस गायकी के सफ़र का जो है अपना शुरुआत की,
तो वहीं से ये सब कुछ चल निकला, क्योंकि कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि हमारा जो लोक संगीत है कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है, तो उसको जो है वो लोगों तक पहुंचाना है, उसको कहीं ना कहीं सहेजना है और उसको एक नया रूप देके, उसकी आत्मा को ना छेड़ के, उसकी रूह को ना छेड़ के एक नए रूप में हमें लोगों तक लेके आना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उस लोकगीत के साथ जुड़ सकें। तो मुझे लगा कि क्यों दूसरे से किसी से उम्मीद रखने की बजाय क्यों ना खुद ही प्रयास किए जाएँ। तो उन प्रयास में शुरुआती दिनों में मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, लेकिन साथ साथ में ही पंडित सुरेश लंगा जी मेरे एक मित्र हैं और एक सुरेश कपूर जी, हम तीनों ने मिलकर ये प्रयास किए और कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं सफल हुए और आज वो प्रयास आप सब लोगों के सामने। चूँकि गद्दी की जो एक बोली है उसको कहीं लिपिबद्ध नहीं किया गया, कहीं कंक्रीट चीज़ें वो नहीं मिलती है, कितना टफ रहता है, कितनी बड़ी चुनौती रहती है कि वो पुराने शब्दों को एक तो ढूंढ कर सामने लाना, ऊपर से उसको समझना और उसको फिर एक तरह से लिपिबद्ध करके एक तरह से गाने में ढालना, तो ये कहाँ से करते हैं आप? जहाँ तक मेरा जो शोध है ये कहता है कि गद्दी जो है वो भाषा हुआ करती थी, कभी उसे टांकरी लिपि में लिखा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ हम उन चीज़ों को खोते गए, हम उन चीज़ों को भुलाते गए और आज उस कगार पे वो बोली का स्वरूप ले चुकी है। लेकिन जो शब्दों की आपने बात की, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी लोकगीत हैं उनको लोगों तक उस स्वरूप में पहुँचाऊँ। लेकिन अब मेरा जो अगला उद्देश्य है या फोकस आप कहेंगे तो वो है शब्दों पर। आपने देखा होगा मैंने पिछले 2-3 सालों में शब्द विशेष जो है वो गाने मैंने लॉन्च किए हैं, चाहे वो नकटी रहा हो, चाहे वो ढंडगुल्लू रहा हो, चाहे वो हीड़ी रहा हो, चाहे आज जो मैंने रिलीज़ किया चननी रहा हो। तो इन शब्दों का एक जो है अपने आप में एक विशेष अर्थ है हमारी जो स्थानीय बोली में। तो अब मुझे लगता है कि हमारे जो कहीं विलुप्त होती शब्दावली है उसको भी हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा और लोगों के सामने लाना होगा। तो ये सब प्रेरणा तो मुझे, मैंने आपको पहले ही कहा है, घर से मिली है और गुरुजनों से मैंने आशीर्वाद जो है समय समय पर मुझे मिलता रहा है। तो ये प्रयास मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये प्रयास जो है मरते दम तक हमारे जारी रहेंगे, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन जो है वो लोक कला को समर्पित कर दिया होगा। भाषा विभाग के जिलाधिकारी सुरेश राणा ने बताया कि सुनील राणा वो लोक कलाकार हैं जो बेहद होनहार और अपने समुदाय के सपूर्द हैं। इन्होंने लोक संस्कृति के लिए हमेशा ही अपना योगदान दिया है। आज इनके सोशल मीडिया पर भी मिलियन फॉलोअर्स हैं। यही वजह है कि आज ये इस पायदान पर पहुंच चुके हैं कि भाषा विभाग आज इनके साथ खड़ा है। सर, आज आपके सदन से जो है वो ये गाने की लॉन्चिंग जो है वो हुई है, क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर सिंह कलाकार के बारे में और उनकी कला के बारे में? मैं सुनील राणा जी को और उसकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस तरह से वो कला और संस्कृति को सहेजने में जो है उनका प्रयास लगातार जारी है और वो इसके ऊपर जो है वो बड़े तामझाम के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। आप देखिए कि कलाकारों के लिए अभी हाल ही में कोरोना काल में जो था वो सारा अस्त व्यस्त था, सभी और चीज़ें जो हैं उसमें काफ़ी प्रभावित हुई हैं। तो कलाकारों को भी जैसे मेलों में या वहाँ विवाह शादियों में या किसी प्रोग्रामों में कार्यक्रम करने का मौका मिलता था, तो इन्होंने उस समय को जो था कोरोना काल का जो समय था उसका सदुपयोग करते हुए और आज इन्होंने अपने जो गाना है चननी उसका विमोचन जो यहाँ पे आज करवाया है उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और इनके भविष्य की भी मैं कामना करता हूँ कि आगे भी जो है ये और इनकी पूरी टीम जो है वो इसी तरह से जो है संस्कृति को सहेजने में अपना प्रयास करते रहे। धन्यवाद। सर, जो गद्दी समुदाय है उसकी जो संस्कृति है वो बहुत प्रॉस्पर्स मानी जाती है, बहुत समृद्ध मानी जाती है और ये तो निजी स्तर पे इनका प्रयास हो गया कि ये सहेजने में लगे हुए हैं, शब्दों को ढूंढने में लगे हुए हैं। आप चूंकि भाषा विभाग के खुद अधिकारी हैं तो भाषा विभाग कैसे, जैसे कि उन्होंने कहा है कि शब्द गद्दी जो थी एक भाषा हुआ करती थी, आज बोली तक पहुंच चुकी है, तो हम उसको कैसे सहेज पाएंगे? कोई आपके प्रयास को सरकारी स्तर पर कोई इसके प्रयास किए जा सकते हैं या हो रहे हैं? ये अगर ऐसा इस तरह का है तो इसको जो इनकी आप ये निर्णय बताया है कि ये भाषा थी तो इसको सहेजने का प्रयास किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर जो है बड़े लार्ज स्केल पर जो है उसमें काम कर सकते हैं शोध करने की, और जो इसमें जो है उसमें हम शोध करने की अभी बहुत आवश्यकता है
और बाकी जो आप जो एक समुदाय की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने समुदाय को ना केवल एक हिमाचल के, अगर जिला कांगड़ा की मैं बात करूं या चंबा की बात करूं, हिमाचल देश विदेश की मैं अगर करूँ, तो इन्होंने अपने कल्चर को जो है पूरे विदेशों में जो है इन्होंने वहाँ तक पहुँचाया है और काफ़ी फॉलोवर जो है इनके बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है जो ये आपके माध्यम से भी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और लोग जो है उनको सुन रहे हैं।